खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से, जहां पर ओरा कामेर सोसाइटी में गिरे लिफ्ट। ओरा कायमेरा सोसाइटी में सातवीं मंजिल से लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया है। लिफ्ट में 25 मिनट तक फंसे रहे सात लोग। घटना के वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने दिखाई लापरवाही। अलार्म बजने पर भी नहीं आए सिक्योरिटी गार्ड। लिफ्ट में फंसी महिला ने दी नंदग्राम थाने में तहरीर। तो घटना के वक्त सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही सामने आई है। अलार्म बजने पर भी नहीं आए सिक्योरिटी गार्ड। तो लिफ्ट में फंसी महिला ने दी नंदग्राम थाने में तहरीर। गाजियाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पर ओरा कायमेरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया। ओरा कायमेरा सोसाइटी में सातवीं मंजिल से ये लिफ्ट गिरी। तो लिफ्ट में 25 मिनट तक का सात लोग फंसे रहे। तो घटना के वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने लापरवाही दिखाई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, देखिए लगातार सोसाइटीज से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लिफ्ट में फंसने का लोग इससे परेशान हो रहे हैं। और देखिए, इस दौरान तो ये बड़ा हादसा भी हो गया कि लिफ्ट सातवीं मंजिल से गिर गई। यादराम, देखिए राजनगर एक्सटेंशन की ओरा कायमेरा सोसाइटी है, जहां पर सातवीं मंजिल से लिफ्ट गिर गई और यहां पर उस समय 25 लोग के करीब इस पूरी लिफ्ट में फंस गए। और बड़ी बात यह है कि जिस समय इस लिफ्ट का अलार्म बजाया गया, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर नहीं आया, जिससे लोगों में काफी रोष है। 10वीं मंजिल से ये लोग नीचे पार्क में जाने के लिए चढ़े थे, लेकिन अचानक ही लिफ्ट गिर गई और ये लोग उस लिफ्ट में फंस गए। और उसके बाद काफी देर तक ये लोग फंसे रहे और बाद में जैसे तैसे इनको निकाला गया, जिसके बाद कई लोगों की हालत भी खराब हो गई। लेकिन जिस तरीके से लिफ्ट खराब हुई और जो लोग हैं वो मेंटेनेंस कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं, और इसके बाद जो महिला था इस लिफ्ट में फंसी, उसने इस कंपनी के खिलाफ एक तहरीर नंदग्राम थाने में भी दी है और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। लेकिन लिफ्ट में जिस तरह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं गाजियाबाद में या NCR क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं गंभीरता वाली बात है। और जब लिफ्ट में व्यक्ति फंसता है तो कहीं ना कहीं उसकी जान पर भी बनाती है, तो इस चीज को लेकर कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से लिफ्ट ये फंसी है, उस तरह से जो लोग हैं यहाँ के, वो काफी गुस्से में हैं और लगातार मेंटेनेंस कंपनी और बिल्डर कंपनी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी ठीक है यादराम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।